एक नई इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो के अंदर। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, वहाँ पे गांव है फलोदी, वहाँ मैं आया हुआ हूँ दोस्तों। और यहाँ आने के बाद मेरे को एक अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिली जो मैंने ज़िंदगी के अंदर पहली बार देखी है और सोचा कि आपको मैं दिखाऊँ। अक्सर हमने चिड़ियाघर देखे होंगे, लेकिन ये जो चिड़ियाघर मैं आपको दिखाने जान लग रहा हूँ, ये बहुत ही यूनिक चिड़ियाघर है। और इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी जो छोटा बिल्ली है या कुत्ता है, कोई जानवर है, इनको पकड़ ना पाए, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आपको दिखाता हूँ मैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे घर बनाए गए हैं कबूतरों के लिए, चिड़िया के लिए, ताकि उनके अंदर आराम से रह सके और कोई भी जानवर उनके ऊपर अटैक ना कर सके। ये देखो दोस्तों, जो आप ये पिलर की शेप के अंदर आप ये देख रहे हैं, यही है चिड़ियाघर। देखो इसके अंदर काफ़ी होल बनाए हुए हैं, ये जो होल हैं इनके अंदर चिड़िया या फिर तोते रहते हैं, ये अंदर से चौड़े हो जाते हैं। आपको ये होल दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये देखो दोस्तों। और कोई भी जानवर, देखो आप देख सकते हो ये पिलर बिल्कुल स्लीपी बनाया हुआ है, बिल्कुल चिकना पिलर है ये। देखो दोस्तों, कोई भी बिल्ली या कुत्ता देखो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ सकता। देखो अगर आपको चढ़ना है तो इसके ऊपर आपको सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तभी आप चढ़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी ऊंचा पिलर है ये। उसके बाद ये बनाए गए हैं देखो दोस्तों ये, और जितने भी होल हैं इन होलों के अंदर ये तोते या फिर ये कबूतर ये रहने लग रहे हैं, आप देख सकते हो। और दाना वगैरह अगर डालना हो तो दाना वगैरह यहाँ डाल देते हैं, और दाना वगैरह उठा के फिर ये जो कबूतर हैं ये अपने बिलों के अंदर घुस जाते हैं। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल ही नायाब तरीका है, बिल्कुल यूनिक सा तरीका है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि कोई झंझट नहीं रहता, बिल्कुल कबूतर आराम से रह सकता है बिलों के अंदर, ना कोई पक्षी, कबूतर बिल्कुल आराम से रह सकते हैं इन बिलों के अंदर, इन होलों के अंदर। कोई भी बिल्ली कुत्ता इनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकता, आप देख सकते हो दोस्तों। और भी कबूतर दिखाते हैं, यहाँ पे काफी कबूतर हैं, आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, काफी कबूतर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और नीचे हैं ये खरगोश, काफी खरगोश भी पाले हुए हैं। ये देखो दोस्तों, एक बार और दिखाता हूँ आपको, काफी ऊंचा है, इसकी हाइट लगभग लगभग इस पिलर की हाइट लगभग लगभग हो सकती है 10, 20, 30, 40, 50, 60 से 70 फुट ऊंचा ये पिलर मेरे को दिखाई दे रहा है। ये देखो दोस्तों,